हेलो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली इसी तरह की हर नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं एएमयू के एमपीएट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करूंगा, यानी 2019 का पेपर। एएमयू में एमपीएट का जो रिटन एंट्रेंस टेस्ट होता है वो 40 मार्क्स का होता है, जिसमें 30 मार्क्स के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं और 10 मार्क्स में सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में हम 30 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस करेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, ट्राइकस्पिड वेल्व कंट्रोल्स ब्लड फ्लो फ्रॉम। क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो ट्राइकस्पिड वेल्व होती है वो हार्ट के चारों चैम्बर्स में से कौन से दो चैम्बर के बीच ब्लड फ्लो को कंट्रोल करती है। ऑप्शंस हैं राइट ऑरिकल टू राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल टू लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल टू पल्मोनरी आर्टरी या लेफ्ट वेंट्रिकल टू एओर्टा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, राइट ऑरिकल टू राइट वेंट्रिकल। जो हमारी ट्राइकस्पिड वेल्व होती है वो राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच होती है। दोस्तों, आपको पता होगा हमारे हार्ट में टोटल 4 चैम्बर्स होते हैं, 2 चैम्बर राइट साइड में होते हैं, 2 चैम्बर लेफ्ट साइड में होते हैं। तो जो राइट साइड के अपर और लोअर चैम्बर हैं उन दोनों के बीच जो वेल्व होती है उसे बोलते हैं हम ट्राइकस्पिड वेल्व। यही वेल्व ब्लड फ्लो को कंट्रोल करती है। ठीक है, अगर आपको हार्ट के बारे में और डिटेल में जानना है तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं ह्यूमन हार्ट, ऊपर आई बटन पर क्लिक करके, या नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूंगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, फास्ट ट्विच मसल फाइबर्स हैज मोर। क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो फास्ट ट्विच मसल फाइबर्स होते हैं उनमें क्या चीज़ ज़्यादा होती है। ऑप्शंस दिए गए हैं एरोबिक कैपेसिटी ज़्यादा होती है, अनएरोबिक कैपेसिटी ज़्यादा होती है, एंड्यूरेंस ज़्यादा होती है या स्पीड। दोस्तों, ये चारों नाम दिए गए हैं, इन चारों में से कोई दो कैरेक्टरिस्टिक्स फास्ट ट्विच मसल फाइबर्स के होते हैं वो आपको सेलेक्ट करनी है। नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए में कहा गया है 1 एंड 3, 1 एंड 4, 2 एंड 3, 2 एंड 4। इसका जो राइट आंसर एएमयू ने अपनी आंसर की में दिया है वो है ऑप्शन बी, 1 एंड 4, यानी एरोबिक कैपेसिटी और स्पीड। लेकिन दोस्तों, मुझे लगता है कि इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होना चाहिए, 2 एंड 4, अनएरोबिक कैपेसिटी एंड स्पीड। क्योंकि जो फास्ट ट्विच मसल फाइबर्स होते हैं उनमें अनएरोबिक कैपेसिटी होती है, ना कि एरोबिक कैपेसिटी। तो इसलिए मेरे अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर एनारोबिक कैपेसिटी एंड स्पीड होना चाहिए, यानी कि 2 एंड 4, ऑप्शन डी 2 एंड 4। दोस्तों, आपको क्या लगता है इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, आप कमेंट में खुद लिखकर बताएं, और राइट आंसर वो क्यों होना चाहिए। मुझे तो ऑप्शन डी ही सही लग रहा है, इसलिए मैंने आपको बता दिया, लेकिन आंसर की में ऑप्शन बी दिया हुआ है, 1 एंड 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, एक्टोमॉर्फी इज कैरेक्टराइज्ड बाय। क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक्टोमॉर्फी के कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से होते हैं नीचे दिए गए ऑप्शंस में से। तो अब बात आती है कि भाई एक्टोमॉर्फी क्या होता है। दोस्तों, ये बॉडी का क्लासिफिकेशन है जो कि शेल्डन ने किया था। शेल्डन ने बॉडी के 3 क्लासिफिकेशन किए थे, एक्टोमॉर्फ, एंडोमॉर्फ और मेसोमॉर्फ। तो एक्टोमॉर्फ उन इंडिविजुअल्स को बोलते हैं जो पतले होते हैं, थिन होते हैं, तो उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। एंडोमॉर्फ जो मोटे होते हैं, यानी फैटी होते हैं, और जो मेसोमॉर्फ होते हैं वो एथलेटिक क्वालिटी के होते हैं, यानी कि नॉर्मल होते हैं, अच्छे होते हैं, वो स्पोर्ट्स में भी अच्छे होते हैं, उनकी फिजिकल एबिलिटीज़ भी अच्छी होती हैं। तो ये 3 क्लासिफिकेशन किए थे शेल्डन ने। तो यहाँ पर एक्टोमॉर्फी की बात चल रही है, यानी कि उन लोगों की जो जिनकी बॉडी स्किनी होती है और जो पतले होते हैं। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए हैं जिनमें से आपको बताना है कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो एक्टोमॉर्फ इंडिविजुअल में होते हैं। मैं आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बता देता हूँ, लॉन्ग लिम्स, शॉर्टर ट्रंक, ब्रॉडर हिप, ब्रॉडर हेड और थिन मसल्स। दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1, 2, 5, यानी कि लॉन्गर लिम्स होती हैं एक्टोमॉर्फ इंडिविजुअल में, शॉर्टर ट्रंक होती है उनकी और थिन मसल्स होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, असेसमेंट ऑफ रिजल्ट इन लाइन विद प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव इज। क्वेश्चन में पूछा गया है कि कुछ पहले से डिटरमाइन किए गए ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से
जब हम रिजल्ट का असेसमेंट करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? ऑप्शंस दिए गए हैं कंटेंट वैलिडिटी, इवेल्युएशन, रिलायबिलिटी या ऑब्जेक्टिविटी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, इवेल्युएशन। जब हम पहले से तय ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग रिजल्ट को असेस करते हैं तो उसे बोलते हैं हम इवेल्युएशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। कंपैरेटिवली कैविटी साइज ऑफ हार्ट इज मोर इन। क्वेश्चन में पूछा गया है कि नीचे दिए गए चार ऑप्शंस में से वो कौन से लोग हैं जिनका हार्ट का जो साइज होता है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है दूसरे लोगों की तुलना में। ऑप्शंस दिए गए हैं स्प्रिंटर्स, मैराथनर्स, वेट लिफ्टर्स, शॉर्ट पटर्स। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मैराथनर्स। दोस्तों जो मैराथनर्स होते हैं उनका जो हार्ट का साइज होता है, हार्ट का जो कैविटी साइज होता है यानी कि हार्ट जितना स्पेस कवर कर रहा है हमारी बॉडी में, वो ज़्यादा होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो एरोबिक एक्टिविटी करते हैं और जब हम एरोबिक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं तो जो हमारा कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस है वो इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा ब्लड फ्लो भी ज़्यादा हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें किस वजह से होती हैं? क्योंकि हमारे हार्ट का साइज भी अल्टीमेटली इसकी वजह से ज़्यादा हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। हिप जॉइंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। क्वेश्चन में पूछा गया है कि नीचे दिए गए चार ऑप्शंस में से हिप जॉइंट किसका एग्जाम्पल है। ऑप्शंस दिए गए हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, हिंज जॉइंट, सुट्योर जॉइंट, कॉन्डियालॉइड जॉइंट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। जो हमारा हिप जॉइंट होता है वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। टाइप 1 लीवर इज इन्वॉल्व इन। क्वेश्चन में पूछा गया है कि नीचे दिए गए चार ऑप्शंस में से टाइप 1 लीवर का एग्जाम्पल कौन सा है या फर्स्ट क्लास लीवर का एग्जाम्पल कौन सा है। ऑप्शंस दिए गए हैं बाइसेप्स कर्लिंग, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड टिल्टिंग ऑफ हेड, क्वाड्रिसेप्स एक्सटेंशन या शोल्डर प्रेस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड टिल्टिंग ऑफ हेड। दोस्तों जब हम अपने हेड को फॉरवर्ड और बैकवर्ड करते हैं यानी कि बॉडी के एंटीरियर अपने हेड को झुकाते हैं, फिर पोस्टीरियर ले जाते हैं, फिर एंटीरियर लाते हैं, फिर पोस्टीरियर ले जाते हैं, तो इसमें कौन सा लीवर लगता है? इसमें लगता है फर्स्ट क्लास लीवर, क्योंकि इसमें हमारा एक्सिस बीच में होता है यानी कि फलक्रम हमारा बीच में होता है, मिड पॉइंट पर फलक्रम होता है और उसके दोनों साइड पर एक साइड रेजिस्टेंस और एक साइड फोर्स, तो इस वजह से यहाँ फर्स्ट क्लास लीवर लगेगा। क्योंकि जब हम अपने हेड को बैकवर्ड और फॉरवर्ड टिल्ट करते हैं तो हमारा एक्सिस बीच में होता है और जब हमें लीवर के बारे में पता करना हो तो हमें हमेशा मिड पॉइंट पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। इसमें कई लोग कन्फ्यूज भी हो जाते हैं कई बार बाइसेप्स कर्लिंग में कि बाइसेप्स कर्लिंग भी फर्स्ट क्लास लीवर है, लेकिन दोस्तों ये थर्ड क्लास का लीवर है बाइसेप्स कर्लिंग। मैं आपको इस पिक्चर के थ्रू समझा देता हूँ। पिक्चर में आप देख सकते हैं जब हम बाइसेप्स कर्ल करते हैं तो उस समय जो हमारी एल्बो है यानी जो हमारा बॉडी जो हमारा एक्सिस होता है उस समय वो हमारे फोर्स से यानी हमारे बाइसेप्स से थोड़ा सा पीछे होता है। आप पिक्चर में देख सकते हैं क्योंकि वो थोड़ा सा पीछे की साइड होता है तो ऑटोमेटिकली हमारा जो फोर्स है वो बीच में चली जाती है और जब फोर्स बीच में चली जाती है तो ये थर्ड क्लास लीवर हो जाता है। तो इस वजह से इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, इसी में फर्स्ट क्लास लीवर लग रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। एक्सेसिव पोस्टीरियर कर्वेचर ऑफ स्पाइन लीड्स टू। क्वेश्चन में कहा गया है कि जब हमारा जो स्पाइन का कर्वेचर होता है यानी जो हमारी बैक होती है वो कर्व शेप में हो जाती है यानी कि हमारा बॉडी का जो पोस्टीरियर साइड है यानी बैक साइड है उस साइड कर्व ज़्यादा होता है हमारी बॉडी का, तो उस पोस्टीरियर डिफॉर्मिटी को हम क्या बोलते हैं। ऑप्शंस दिए गए हैं स्कोलियोसिस, लॉर्डोसिस, काइफोसिस या हॉलो बैक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, काइफोसिस। जब हमारी पोस्टीरियर कर्वेचर ऑफ स्पाइन ज़्यादा हो जाता है तो उसे हम काइफोसिस बोलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 9। द नंबर ऑफ बोन्स इन क्रैनियम आर। क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्रैनियम में कितनी बोन्स होती हैं। क्रैनियम मतलब जो हमारा हेड होता है, स्कल का जो हेड होता है, जो हमारे ब्रेन को कवर कर रहा होता है जो पार्ट, उसमें कितनी बोन्स होती हैं। ऑप्शंस दिए गए हैं 10, 6,
एट या फोर? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, एट। क्रैनियल बोन्स कितनी होती हैं? टोटल एट होती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, लॉन्गेस्ट मसल ऑफ ह्यूमन बॉडी इज। क्वेश्चन में पूछा गया है कि ह्यूमन बॉडी की लॉन्गेस्ट मसल कौन सी है। ऑप्शंस दिए गए हैं सर्टोरियस, बाइसेप्स ब्रैंकाई, हैमस्ट्रिंग्स, रेक्टस फेमोरिस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सर्टोरियस। दोस्तों जो सर्टोरियस मसल होती है वो हमारी बॉडी की लॉन्गेस्ट मसल होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, इसमें एसर्शन और रीजन दिया गया है। एसर्शन मैं आपको पढ़कर बता देता हूँ, हेल्थ इज फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग ऑफ द इंडिविजुअल। रीजन बताया गया है, इट इज नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज। तो एसर्शन में कहा गया है कि हेल्थ क्या है, हेल्थ फिजिकल मेंटल और सोशल वेलबींग है किसी इंडिविजुअल का। और रीजन बताया गया है इसका कि हेल्थ जो है वो केवल एब्सेंस ऑफ डिजीज ही नहीं है, यानी अगर हम बीमार नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम हेल्दी हैं, ठीक है। ऑप्शंस दिए गए हैं ए इज ट्रू एंड आर इज द राइट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी कि जो एसर्शन है वो सही है और जो रीजन है वो एसर्शन का सही एक्सप्लेनेशन है। ऑप्शन बी है ए इज ट्रू बट आर इज नॉट राइट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन सी है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ऑप्शन डी है ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ए इज ट्रू एंड आर इज राइट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी कि एसर्शन सही है और आर इसे सही एक्सप्लेन कर रहा है एसर्शन को। नेक्स्ट है क्वेश्चन 12, इन अ नॉकआउट टूर्नामेंट इफ द नंबर ऑफ टीम्स इज 42 देन द नंबर ऑफ बाय शैल बी। क्वेश्चन में पूछा गया है कि किसी नॉकआउट टूर्नामेंट में अगर 42 टीम्स हैं तो उसमें टोटल कितनी बाइज दी जाएंगी। ऑप्शंस दिए गए हैं 16, 8, 4 या 22। तो बाई का सिंपल सा फॉर्मूला है, नॉकआउट टूर्नामेंट में जब हम बाई देते हैं तो एक इसका फॉर्मूला होता है, मैं आपको बता देता हूँ, नेक्स्ट पावर ऑफ 2 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ टीम्स माइनस टोटल नंबर ऑफ टीम्स। तो इससे हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं जो नेक्स्ट पावर ऑफ टोटल नंबर ऑफ टीम्स है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ टीम्स 42 है तो इसकी नेक्स्ट पावर होगी 64। तो 64 माइनस टोटल नंबर ऑफ टीम्स 42, 64 में से 42 को हम माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 22। नेक्स्ट है क्वेश्चन 13, यहाँ पर भी एसर्शन और रीजन दिया गया है। एसर्शन में है फिजिकल एजुकेशन इज मल्टी डिसिप्लिनरी साइंस कंसर्न विद मैन एंड वुमेन। फिजिकल एजुकेशन जो है ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी साइंस है, यानी कि बहुत सारे साइंसेस का कॉम्बिनेशन है जो कि मैन एंड वुमेन, यानी कि जो ह्यूमन है और मूमेंट है, जो ह्यूमन है और ह्यूमन का जो मूमेंट होता है उससे रिलेटेड है। रीजन बताया गया है अनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोफिजिक्स एटसेट्रा आर एरियाज विच आर एक्सप्लोर्ड इन आइसोलेशन टू लोकोमोशन ऑफ मैन। इसका रीजन बताया गया है कि जो अनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोफिजिक्स वगैरह होती हैं ये वो एरियाज हैं जिसमें हम एक्सप्लोर करते हैं आइसोलेशन टू लोकोमोशन मैन। इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं ए इज ट्रू एंड आर इज राइट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ए इज ट्रू बट आर इज नॉट राइट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, प्रोफेशनल प्रिपरेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन टीचर इन इंडिया इज गवर्न्ड बाय। क्वेश्चन में पूछा गया है कि इंडिया के अंदर फिजिकल एजुकेशन की जो प्रोफेशनल प्रिपरेशन कराई जाती है उसे गवर्न कौन करता है। ऑप्शंस दिए गए हैं LNIPE, NCTE, NCERT या UGC। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, NCTE। इंडिया के अंदर जो फिजिकल एजुकेशन टीचर्स के जितने भी प्रोग्राम चल रहे हैं उन सभी को जो गवर्न करता है वो NCTE ही करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, ए न्यूरॉन एंड ऑल द मसल फाइबर्स अंडर इट इनर्वेशंस कंप्राइजेस। क्वेश्चन में पूछा गया है कि न्यूरॉन और सभी मसल फाइबर्स मिलकर क्या बनाते हैं। ऑप्शंस दिए गए हैं मोटर यूनिट, मसल यूनिट, सर्कोमेयर या सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मसल यूनिट। जो न्यूरॉन और मसल फाइबर्स होते हैं उन्हें मिलकर हमारी एक मसल यूनिट तैयार होती है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन 16, एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन शुड बी बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ। क्वेश्चन में पूछा गया है कि फिजिकल एजुकेशन का जो ऑर्गेनाइजेशन और एडमिनिस्ट्रेशन है वो किसके प्रिंसिपल्स पर बेस्ड होना चाहिए। ऑप्शंस दिए गए हैं टीचिंग, एक्टिविटी, बायोमैकेनिक्स या ह्यूमैनिटी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, टीचिंग। फिजिकल एजुकेशन के जो ऑर्गेनाइजेशन और एडमिनिस्ट्रेशन के जो प्रिंसिपल्स हैं वो टीचिंग के प्रिंसिपल्स पर ही बेस्ड होने चाहिए। नेक्स्ट है, इन कंपैरिजन टू द ग्रीक्स द रोमन्स वर मोर। क्वेश्चन में पूछा गया है कि नीचे दिए गए जो चार ऑप्शंस हैं इनमें वो कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है जो रोमन्स के अंदर ग्रीक्स के कंपैरिजन में ज़्यादा था। ऑप्शंस दिए गए हैं अथॉरिटेरियन, डेमोक्रेटिक, एरिस्टोक्रेटिक या यूटिलिटेरियन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यूटिलिटेरियन। जो रोमन्स थे वो कैसे हमें यूटिलाइज करना है, किस चीज़ में से हमें मैक्सिमम आउटपुट लेना है, ये उनके कैरेक्टरिस्टिक्स थे रोमन्स के। नेक्स्ट है क्वेश्चन 18, विच आर्टरी कैरीज द सप्लाई ऑफ ब्लड टुवार्ड्स हार्ट। क्वेश्चन में पूछा गया है कि वो कौन सी आर्टरी है जो हार्ट की तरफ ब्लड को सप्लाई करती है। ऑप्शंस दिए गए हैं फेमोरल आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी या फेशियल आर्टरी। इसका राइट आंसर है पल्मोनरी आर्टरी। जो पल्मोनरी आर्टरी होती है वो हमारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से लंग्स की तरफ ले जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 19, लॉ ऑफ एक्सीलरेशन इज ऑल्सो नोन एज। क्वेश्चन में पूछा गया है कि लॉ ऑफ एक्सीलरेशन को और किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शंस दिए गए हैं बॉयल्स लॉ, लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन या लॉ ऑफ मोमेंटम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, लॉ ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ एक्सीलरेशन को यानी सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन को लॉ ऑफ मोमेंटम भी बोलते हैं। नेक्स्ट है असेसमेंट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इज डन विद द हेल्प ऑफ। क्वेश्चन में पूछा गया है कि नीचे दिए गए ऑप्शंस में से वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी हेल्प से हम फ्लेक्सिबिलिटी को मेजर कर सकते हैं। ऑप्शंस दिए गए हैं डायनामोमीटर, टेंसोमीटर, गोनियोमीटर या साइबेक्स। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गोनियोमीटर। फ्लेक्सिबिलिटी को मेजर करने के लिए गोनियोमीटर इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द मेथड ऑफ टीचिंग इनेबल्स स्टूडेंट टू लर्न बाय डूइंग। क्वेश्चन में पूछा गया है कि नीचे दिए गए चार ऑप्शंस में से वो कौन सा टीचिंग मेथड है जो स्टूडेंट को इस लायक बनाता है, जो स्टूडेंट का लर्निंग का प्रोसेस है उसे प्रैक्टिकली करके सीखने वाला मेथड है। ऑप्शंस दिए गए हैं इमिटेशन मेथड, लेक्चर मेथड, प्रोजेक्ट बेस्ड मेथड या ऑब्जर्वेशन मेथड। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रोजेक्ट बेस्ड मेथड। जब स्टूडेंट्स को कुछ प्रोजेक्ट दिए जाते हैं तो वो क्या करते हैं, वो उस प्रोजेक्ट को पूरा करते हैं, क्योंकि खुद प्रोजेक्ट को पूरा करते हैं तो उस समय वो जो भी चीज़ अपने प्रोजेक्ट में बनाते हैं, जो भी प्रोजेक्ट उन्हें दिया जाता है पूरा करने के लिए, उस समय वो उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं क्योंकि ये उन्हें खुद ही कंप्लीट करना होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट इज अ टेस्ट फॉर मेजरिंग। क्वेश्चन में पूछा गया है जो हार्वर्ड स्टेप टेस्ट होता है वो नीचे दिए गए चार ऑप्शंस में से किस चीज़ को मेजर करने के लिए किया जाता है। ऑप्शंस दिए गए हैं कार्डियो रेस्पिरेटरी एफिशिएंसी, लेग स्ट्रेंथ, एजिलिटी या स्पीड ऑफ मूवमेंट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कार्डियो रेस्पिरेटरी एफिशिएंसी। जो हार्वर्ड स्टेप टेस्ट होता है ये कार्डियो रेस्पिरेटरी एफिशिएंसी को चेक करने के लिए टेस्ट किया जाता है। कार्डियो रेस्पिरेटरी एफिशिएंसी मतलब हमारा जो एंड्यूरेंस होता है उसे चेक करने के लिए हार्वर्ड स्टेप टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, द 50th परसेंटाइल इज ऑल्सो नोन एज। क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो 50th परसेंटाइल होती है उसे और किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शंस दिए गए हैं मीन, मीडियन, मोड या स्टैंडर्ड डेविएशन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मीडियन। जो मीडियन होता है
वो 50th percentile भी इसे हम कह सकते हैं, क्योंकि ये मिड वैली होती है किसी भी डाटा की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, फ्री हैंड एक्टिविटी जनरली डन इन ग्रुप इज कॉल्ड। क्वेश्चन में पूछा गया है कि ग्रुप में की जाने वाली फ्री हैंड एक्टिविटी को जनरली किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शंस दिए गए हैं प्लायोमेट्रिक्स, ड्रिल एंड मार्चिंग, कैलिस्थेनिक्स या वेट ट्रेनिंग। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कैलिस्थेनिक्स। जो फ्री हैंड एक्टिविटी ग्रुप में की जाती है उसे जनरली हम कैलिस्थेनिक्स भी कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, द प्रेजेंस ऑफ द ओजोन लेयर इन द अपर एटमॉस्फेयर इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज। क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो ओजोन की लेयर है हमारे अपर एटमॉस्फेयर में वो इम्पॉर्टेंट क्यों है। ऑप्शंस दिए गए हैं, इट इन्हेंसेस द ग्रीन हाउस इफेक्ट, इट प्रिवेंट्स ऑल टाइप्स ऑफ स्किन कैंसर, इट एब्जॉर्ब्स हार्मफुल अल्ट्रावायोलेट रेडिएशंस, इट रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ एसिड रेन एंड अर्बन स्मॉग। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, इट एब्जॉर्ब्स हार्मफुल अल्ट्रावायोलेट रेडिएशन। यानी जो ओजोन लेयर होती है वो सन की जो हार्मफुल अल्ट्रावायोलेट रेडिएशंस होती हैं यानी यूवी रेज होती हैं उन्हें एब्जॉर्ब कर लेती है ताकि वो हमारे तक पहुंचकर हमें हार्म ना करें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर फॉर द फोर मेजर स्टेप्स इन डिजाइनिंग अ हेल्थ एजुकेशन लेसन प्लान। इसमें हेल्थ एजुकेशन लेसन प्लान को डिजाइन करने के लिए चार स्टेप दिए गए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो इन्हें हमें सीक्वेंस से लगाना है कि पहले कौन सा स्टेप आएगा, उसके बाद कौन सा, उसके बाद कौन सा, उसके बाद कौन सा। मैं आपको इसका राइट आंसर बता देता हूं, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 4 3 1 2। यानी सबसे पहले आएगा 4, डिटरमाइनिंग द जनरल फोकस फॉर द लेसन प्लान। उसके बाद आएगा 3, सेटिंग स्कोप एंड सीक्वेंस पैरामीटर्स फॉर द टॉपिक। उसके बाद आएगा 1, डिवेलपिंग इंस्ट्रक्शनल वैल्यूज एंड इवेल्युएशन मेजर्स दैट आर कॉन्ग्रुएंट। उसके बाद आएगा 2, आइडेंटिफाइंग सेवरल टीचिंग स्ट्रेटेजीज दैट एनकरेज टीचर मॉडलिंग एंड स्टूडेंट पार्टिसिपेशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच अप्रोच इन पब्लिक हेल्थ। क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो फूड एडल्ट्रेशन प्रिवेंशन एक्ट है वो नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन से पब्लिक हेल्थ अप्रोच का एग्जाम्पल है। ऑप्शंस दिए गए हैं रेगुलेटरी, सर्विस, प्राइमरी हेल्थ केयर या एडुकेशनल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, रेगुलेटरी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, विच स्किल स्पोर्ट्स मैनेजर्स मस्ट मास्टर इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल मैनेजर। क्वेश्चन में पूछा गया है कि नीचे दिए गए ऑप्शंस में से स्पोर्ट्स मैनेजर के अंदर वो कौन सी स्किल होनी ही होनी चाहिए, मतलब ज़रूरी होनी चाहिए। ऑप्शंस दिए गए हैं लीडरशिप स्किल्स, ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स या इवेल्युएशन स्किल्स। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, लीडरशिप स्किल्स। किसी भी स्पोर्ट्स मैनेजर के अंदर लीडरशिप स्किल होनी ज़रूरी है बहुत। अगर लीडरशिप स्किल नहीं होगी किसी स्पोर्ट्स मैनेजर के अंदर तो वो एक अच्छा मैनेजर नहीं हो सकता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, टू कंपेयर द वेरिएबिलिटी इन टू पॉपुलेशंस वी यूज। क्वेश्चन में कहा गया है कि जब दो पॉपुलेशन की बीच का जो वेरिएबिलिटी है यानी कि कितना डिफरेंस आ रहा है दो पॉपुलेशन के बीच, क्या वेरिएशन है उनके बीच, इसे कंपेयर करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं। ऑप्शंस दिए गए हैं रेंज, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, मीडियन या स्टैंडर्ड डेविएशन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। जब दो पॉपुलेशन की हमें वेरिएबिलिटी को चेक करना हो तो हम क्या करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का हम यूज करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30 और ये लास्ट क्वेश्चन है, द फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक्स इज। क्वेश्चन में पूछा गया है कि मॉडर्न ओलंपिक्स के फादर का क्या नाम है। ऑप्शंस दिए गए हैं बैरन पेरेडे कुबर्टिन, चार्ल्स बचर, चार्ल्स डी कुबर्टिन या रोसलिन मैरो। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बैरन पेरेडे कुबर्टिन। बैरन पेरेडे कुबर्टिन मॉडर्न ओलंपिक्स के फादर हैं। ठीक है,
तो दोस्तों ये टोटल 30 क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो गए और इसी के साथ हमारा ये एएमयू का क्वेश्चन पेपर भी कंप्लीट हो गया है। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली इसी तरह की हर नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की किसी नई वीडियो में।